करवा चौथ पर नांगल चौधरी के बाजार सज गए हैं। खरीदारी के लिए शहर सहित ग्रामीण महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। इस त्योहार पर महिलाएं सुंदर दिखने के लिए सोलह श्रृंगार की तैयारी करती है। बाजार में महिलाओं के साज सज्जा के लिए जगह जगह दुकानें लग गई हैं। पिछले कई दिनों से पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बनी हुई है। करवा चौथ के लिए खास माने जाने वाले चीनी के करवे भी नए नए अंदाज में बाजार में सजे हुए हैं। महिलाएं कल करवा चौथ पर निर्जल उपवास रखेंगी। करवा चौथ पर व्रत का जितना विधि विधान है उतना ही सजने सवरने का भी माना गया है, जिसके चलते बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज सुबह से ही बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ज्वेलर्स, गिफ्ट आइटम्स हो या फिर कपड़े की दुकान, सभी जगह महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। कपड़े के दुकानदार नरसिंह वीर ने कहा कि करवा चौथ के लिए महिलाएं खरीदारी जरूर कर रही हैं, लेकिन इस बार बाजार में गत वर्ष जैसी रौनक नहीं है। उन्होंने महंगाई को इसका जिम्मेदार ठहराया। आज करवा चौथ का व्रत है, ये साल में एक बार आता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को सभी औरतें बड़ी निष्ठा और पूर्ण से करती हैं और व्रत करके सुबह कथा सुनती हैं और शाम को जब सूरज निकलता है तो उस टाइम अपनी सभी क्रियाएँ करके और अपने पति का चेहरा देखकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। तो ये व्रत हर साल बड़ी धूमधाम से हर जगह विश्व में हर स्थान पर मनाया जाता है और आशा है कि सभी बहन और सिस्टरों को अनुरोध है कि ये हर व्रत हर साल मनाना चाहिए। ये अपनी पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, इसलिए इस व्रत को हर साल अच्छी तरह से करना चाहिए। उधर खरीदारी करने पहुंचे ग्रामीण महिला का कहना है कि यह त्योहार पति और पत्नी के प्यार के रिश्ते का त्योहार है, इसे दोनों के रिश्ते में और भी मिठास आती है। उनका मानना है कि इस त्योहार पर व्रत रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है, इसलिए इस दिन सभी महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। उन्होंने पति के लिए रखे जाने वाले इस व्रत पर सजने संवरने को अधिक तवज्जो दिया। वहीं इस त्योहार पर प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित भिवानी शंकर जोशी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन के लिए उसके सुहाग की लंबी उम्र के लिए माना गया, इसलिए इसे महिलाएं काफी उत्साह और नियम से मनाती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हमारे धार्मिक हिंदू संस्कृति में अपने जगह एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। इस दिन औरतें अपने सौभाग्य की, दीर्घायु की कामना करती हैं, सौभाग्य की सुरक्षा, चंद्रदेव का व्रत निर्जल होकर करती हैं। और इसी दिन क्या है, एक दिन पूर्व इनके मन में बड़ा उत्साह रहता है, बाजारों में जाके अपने सौभाग्य की वस्तुएं जैसे कंगन वगैरह खरीदना, साड़ियां वगैरह खरीदना, अपने पति के लिए एक से एक सुंदरता का अपना प्रतीक बनके और भगवान चंद्रदेव से उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। और इस पर्व को वैसे तो हर चतुर्थी को सभी औरतें वार्षिक चतुर्थी का व्रत करती हैं, लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करवा चौथ जिसको बोलते हैं उसका महत्व विशेष रूप से हमारे धार्मिक हिंदू संस्कृति में बताया है। और उसी के चलते हुए अब कल ही करवा चौथ का जो व्रत बड़ी धूमधाम से बाजार अपनी जगह सज रहे हैं। और हालांकि चल रहा है एक बहुत बड़ा ही एक हमारे लिए महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महंगाई है, लेकिन चूंकि ये धार्मिक एक भाव से जुड़ा हुआ त्यौहार है फिर भी औरतें पूर्ण रूप से उत्साहपूर्ण और इस करवा चौथ को मनाने के लिए उत्सुक हैं।